India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गोधरा कांड के दौरान साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 दोषियों को दी जमानत। दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ अपीलों के निस्तारण तक जमानत के लिए थी अपील। बिहारी मजदूरों पर कथित हमले की फेक न्यूज चलाने के आरोपी ऑप इंडिया वेबसाइट की संपादक नुपुर शर्मा और सीईओ राहुल रोशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 4 सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा। एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईद से पहले ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वुजू के लिए पानी की व्यवस्था करने का दिया आश्वासन। जिला मजिस्ट्रेट को पानी में पर्याप्त संख्या में टब की व्यवस्था के दिए निर्देश। दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में फायरिंग। महिला पर 4 राउंड फायरिंग। पीड़िता की हालत गंभीर। एम्स में भर्ती। गवाही के लिए आई थी महिला। वकील की ड्रेस में आए हमलावर ने घटना को दिया अंजाम। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में अब विस्तार से चर्चा करेंगे। बिहारी मजदूरों पर कथित हमले के फेक न्यूज फैलाने पर ओप इंडिया वेबसाइट के संपादक नुपुर शर्मा और सीईओ राहुल रोशन को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दी है। हालांकि कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से मना किया और कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आरोपी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मार्च में तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के आईटी विंग के एक सदस्य सूर्य प्रकाश की शिकायत के आधार पर राज्य पुलिस ने वेब पोर्टल ओप इंडिया के सीईओ और संपादक के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने का केस दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहारी मजदूरों पर कथित हमले की फेक न्यूज फैलाने पर तमिलनाडु पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर मामले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑप इंडिया वेबसाइट के संपादक नुपुर शर्मा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल रोशन को बिहारी प्रवासी की यातना के संबंध में वेबसाइट पर प्रकाशित एक कथित फर्जी कहानी के लिए तमिलनाडु पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में 4 सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने आदेश दिया कि शर्मा और रोशन के खिलाफ 4 सप्ताह तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने हालांकि कहा कि वह मामले को रद्द करने की प्रार्थना पर विचार नहीं करेगी और याचिकाकर्ता इसके संबंधित न्यायिक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का एक वैकल्पिक उपाय है और याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ताओं को 4 सप्ताह के लिए प्राथमिकी के आधार पर किसी भी कठोर कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की ताकि वे न्यायिक उपायों का लाभ उठा सके। मामले में दर्ज एफआईआर को ऑनलाइन पोर्टल ऑफ इंडिया के संपादक और संस्थापक नुपुर शर्मा राहुल रोशन ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। जब मामला उठा तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी से पूछा कि हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया जा सकता। सीजेआई ने कहा, हम अनुच्छेद 32 के तहत प्राथमिकी को कैसे रद्द कर सकते हैं? आप मद्रास हाई कोर्ट जाएं,
हालांकि जेठमलानी ने ये कहकर बेंच को मनाने की कोशिश की कि कुछ मामलों में एफआईआर को अनुच्छेद 32 के तहत रद्द कर दिया गया है। बेंच ने कहा कि अनुग्रह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जेठमलानी ने इसके बाद याचिकाकर्ताओं के हाईकोर्ट जाने तक सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पहली याचिकाकर्ता एक महिला और 6 साल के बच्चे की माँ है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पोर्टल ने एक अन्य समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित समाचार लेख के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की और जब ये गलत पाया तो इसे वापस ले लिया गया। पिछले महीने तमिलनाडु में कथित तौर पर हिंदी भाषी प्रवासी श्रमिकों पर हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। दावा किया गया था कि बिहारी प्रवासी मजदूरों को हिंदी बोलने पर निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि राज्य पुलिस विभाग ने इसे फेक न्यूज करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर गुजरात के गोधरा में 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने वाले 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उम्र कैद की सजा काट रहे लोगों को कोर्ट से राहत मिली है। ये सभी दोषी 17 से 20 साल की सजा काट चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 4 दोषियों को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसको निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। गुजरात के गोधरा में 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 दोषियों को जमानत दे दी है। सभी दोषी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। सभी दोषी 17 से 20 साल की सजा काट चुके हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कुछ दोषियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। इन दोषियों में वो आरोपी शामिल थे जिन्हें निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया था। निचली अदालत ने 11 दोषियों को मौत की सजा जबकि 20 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में मौत की सजा को कम करते हुए 31 को दोष सिद्धि को बरकरार रखा था। इनमें से कुछ ने अपनी दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ अपनी अपीलों के निस्तारण तक जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के H6 कोच में आगजनी के चलते 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद राज्य में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने कहा था कि मृत्युदंड को उम्र कैद में बदलने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील के अलावा दोषियों की जमानत याचिकाओं से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए भेद करने की आवश्यकता थी। अभी वो उन लोगों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर रहा है जिन्हें निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि हम उन दोषियों को मौत की सजा देने के लिए गंभीरता से दबाव देंगे जिनकी मौत की सजा को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया। ये दुर्लभ से दुर्लभ मामला है जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 59 लोग जिंदा जल गए। हर जगह यही कहा गया कि बोगी पर बाहर से ताला लगा हुआ था। ये केवल पथराव का सामान्य मामला नहीं है। मेहता ने अदालत को अवगत कराया कि निचली अदालत ने 20 दोषियों को उम्र कैद और 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने बाद में 11 दोषियों के लिए मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि कुछ दोषियों की उम्र अब 60 साल के पार हो चुकी है। हेगड़े ने उन 11 दोषियों के खिलाफ मौत की सजा कायम रखने योग्य है या नहीं जिनको पहले निचली अदालत ने ये सजा सुनाई थी इस पर निर्णय देने के लिए काम अदालत पर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को कहा था कि वो मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर दोषियों की जमानत याचिकाओं का निस्तारण करेगी। 20 फरवरी को प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो उन 11 दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करेगी जिनकी सजा को गुजरात हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो गुजरात के गोधरा में फरवरी 2002 में ट्रेन को जलाने के अगले दिन हुए नरोदा नरसंहार के सभी आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। अहमदाबाद के स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व मंत्री समेत सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने के चलते बरी कर दिया। 16 अप्रैल को अहमदाबाद स्पेशल कोर्ट के जज SK बख्शी ने इस मामले में 20 अप्रैल को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। इसके चलते जमानत पर चल रहे सभी आरोपियों को अदालत में बुलाया गया था। जज ने फैसले में कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया इसलिए सभी को बरी किया जाता है।
28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के करीब नरोदा गांव में हुई सांप्रदायिक हिंसा की सुनवाई करीब 21 साल चली। 8 साल जांच के बाद साल 2010 में मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई थी। करीब 13 साल सुनवाई के बाद अब फैसला आया है। इस दौरान दोनों पक्षों ने 187 गवाह पेश किए, जिनमें से 57 चश्मदीद गवाहों से बहस की गई और ये बहस लगातार चली। सुनवाई के दौरान 6 जज बदल गए, इसके बाद फैसला आया। गुजरात के नरोदा गांव दंगे मामले में स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। एसआईटी मामले के विशेष जज एस के बख्शी की कोर्ट ने 20 अप्रैल को 68 आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल 2002 में हुए इन दंगों में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच के आधार पर गुजरात के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत 86 लोगों को आरोपी बनाया था। इन 86 आरोपियों में से 18 की पहले ही मौत हो चुकी है। मामले में 21 साल बाद फैसला आया। नरोदा गांव नरसंहार के मामले में आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, 307 हत्या की कोशिश, 143, 147 दंगे, 148, 129 बी, 153 के तहत केस चलाया जा रहा है। इसमें अधिकतम सजा मौत तक है। इस मामले में कोडनानी पर हत्या, हत्या की कोशिश, दंगों के अलावा साजिश रचने जैसे आरोप है। इससे पहले कोडनानी को विशेष अदालत ने नरोदा पाटिया दंगों के मामले में 28 साल की सजा सुनाई थी। इन दंगों में 97 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि कोर्ट ने कोडनानी को बरी कर दिया था। इस मामले की सुनवाई 2009 से शुरू हुई थी। अब तक 187 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जबकि 57 चश्मदीद के बयान भी दर्ज किए गए हैं। इस मामले में 13 साल से सुनवाई चल रही है। सितंबर 2017 में अमित शाह माया कोडनानी के बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुए थे। माया कोडनानी दंगों के वक्त गुजरात की मोदी सरकार में मंत्री थी। कोडनानी ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें ये साबित करने के लिए कोर्ट में बुलाया जाए कि वे नरसंहार के वक्त नरोदा में मौजूद नहीं थी। गुजरात में वर्ष 2002 में हुए दंगों के दौरान अहमदाबाद के नरोदा पाटिया इलाके में 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस दंगे में 33 लोग घायल हुए थे। इस घटना को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को जलाए जाने के एक दिन बाद अंजाम दिया गया था। जब यह हादसा हुआ था, तब जो सरकार थी उस सरकार ने चौकस पॉलिटिकल इल मोटिव से नरेंद्र भाई को और पूरे गुजरात को बदनाम करने की साजिश की थी। वो साजिश आज चुका जैसे नाकाम हो गई है, क्योंकि जिस बेस पर गुजरात के लोगों को और नरेंद्र भाई को, गुजरात की सरकार को, भाजपा की सरकार को इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी, वो चुकादा से निष्फल। कोर्ट ने कौन से मुद्दों को ध्यान में लेकर ये जजमेंट दिया हुआ? अभी ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी चुकादा की कॉपी नहीं आई है, इसलिए मैं समीक्षा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो भी एविडेंस सरकार और एसआईटी का था वो कोर्ट ने माना नहीं है। वो शायद आशीष खेतान का एविडेंस हो या दूसरा किसी का हो, लेकिन अपने गृहमंत्री ने जो 45 मिनट में बयान दिया था डिफेंस विटनेस, उसको भी माना होगा, जो भी बताऊं। लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी थी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, वो आज इस चुकादे से वो विफल हो गई है, ऐसा मेरा मानना है। जो भी एक्यूज्ड थे उनकी क्या आज फीलिंग है? वो सब कोर्ट में, ओपन कोर्ट में चुकादा सुनने के बाद सबकी आंख में हर्षाश्रु थे। वो छूटे उसके एहसास नहीं था उनका, लेकिन उनके साथ न्याय हुआ, न्याय का अनुभव हुआ। 2009 नरोदा पाटिया कांड का मुकदमा शुरू हुआ। इसमें 62 आरोपियों के खिलाफ आरोप दर्ज किए गए थे। 2012 अगस्त में एसआईटी मामलों के लिए विशेष अदालत ने बीजेपी विधायक और राज्य की मोदी सरकार में पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को हत्या और षड्यंत्र रचने का दोषी पाया। इसके अलावा 32 अन्य को भी दोषी ठहराया गया था। कोडनानी को 28 साल की सजा हुई, जबकि बाबू बजरंगी को आजीवन कारावास की सजा हुई। विशेष अदालत के फैसले को दोषियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। 20 अप्रैल 2018 सबूतों के अभाव में बीजेपी नेता माया कोडनानी निर्दोष करार, बाबू बजरंगी की आजीवन कारावास की सजा घटकर 21 साल की गई।
मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दंगों से जुड़े केस में माया कोडनानी के पक्ष में गवाह के तौर पर पेश हुए थे। शाह ने ये गवाही एक अन्य केस में गुजरात हाईकोर्ट में दी थी। उस समय वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि माया उनके साथ सिविल अस्पताल में मौजूद थी। इस केस में बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी की ताउम्र कैद की सजा को भी हाईकोर्ट ने घटाकर 21 साल कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ईद उल फितर से पहले शुक्रवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वुजू के लिए पानी की उपयुक्त व्यवस्था करने के आश्वासन के बाद वुजू के लिए पानी की व्यवस्था करने संबंधित आवेदन का निस्तारण किया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और पी एस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन द्वारा उस स्थान पर ईद के मौके पर मस्जिद में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा जहां वुजू किया जाता है। पीठ ने इस आश्वासन को दर्ज करने के बाद ही आवेदन का निस्तारण किया। पीठ ने कहा कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त संख्या में टब हों और पानी के लिए सुविधाएं निकटता में उपलब्ध हों ताकि जो नमाजी नमाज अदा करने आए हैं उन्हें असुविधा ना हो। सॉलिसिटर जनरल ने कहा हमने जगह से 70 मीटर दूर शौचालय उपलब्ध कराए थे लेकिन वो मस्जिद के परिसर के अंदर इन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा शौचालय सिर्फ 70 मीटर दूर हैं। प्रबंधन समिति की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा क्यों मुस्लिम उपासकों को वुजू करने के उद्देश्य से परिसर से बाहर जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, वुजू के लिए नहीं। मेहता ने तुरंत स्पष्ट किया, उन्होंने समझाया वुजू के लिए यह एक ही क्षेत्र है, मैं केवल शौचालय सुविधाओं के बारे में बात कर रहा था। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी आश्वासन दिया कि वुजू के लिए मुस्लिम उपासकों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जस्टिस नरसिम्हा ने सिफारिश की कि इस उद्देश्य के लिए बड़े टब उपलब्ध कराए जा सकते हैं, 6 टब हैं, मेहता ने कहा। उन्होंने आगे कहा जिस जगह पर अभी वुजू की इजाजत है वहां हम 6 टब उपलब्ध कराते हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि दक्षिणी राज्य में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुरे केंद्रीय कारागार से स्थानांतरित न किया जाए। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपनी हिरासत को चुनौती देने वाली कश्यप की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा अनुच्छेद 32 के तहत मांगी गई राहत के अलावा याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उसके खिलाफ जारी हिरासत के आदेश को भी चुनौती दी है। याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी जाती है। संशोधित याचिका पर नोटिस जारी करें। पीठ ने कहा हम याचिकाकर्ता को मदुरे केंद्रीय कारागार से स्थानांतरित न करने का निर्देश देते हैं। मामले की आगे की सुनवाई 28 अप्रैल को की जाएगी। कश्यप की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। यूट्यूबर के खिलाफ तमिलनाडु में 6 और बिहार में 3 प्राथमिकियां पहले ही दर्ज हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा उनके खिलाफ एनएसए, इस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा प्रतिशोध क्यों? तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कश्यप ने यह दावा करने वाले फर्जी वीडियो बनाए कि बिहार के प्रवासी मजदूरों पर तमिलनाडु में हमले किए जा रहे हैं। सिब्बल ने कहा उनके 60 लाख फॉलोअर्स हैं, वह एक राजनेता हैं, उसने चुनाव लड़ा है, वह कोई पत्रकार नहीं है। सिब्बल ने मामलों को बिहार स्थानांतरित करने का विरोध किया। सिब्बल ने कहा कि कश्यप को एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया है और उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
उधर दिल्ली के साकेत कोर्ट में बड़ी सुरक्षा के बावजूद सुबह एक शख्स ने महिला पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां बरसा दी, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर के अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं और मेटल डिटेक्टर लगे रहते हैं, ऐसे में कैसे वकील हथियार लेकर घुस गया उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वकीलों ने बताया कि महिला किसी केस के सिलसिले में कोर्ट परिसर में पहुंची थी और मेन गेट के प्रवेश द्वार के नजदीक ही महिला को गोली मारी गई। हमलावर का जो पहचान है वो कामेश्वर प्रसाद उर्फ विनोद सिंह के रूप में हुई है, जो एक वकील है। आरोपी को काउंसलिंग ने एक अलग मामले में निलंबित कर दिया था। दावा किया जा रहा है कि हमलावर वकील ने पीड़ित महिला को 25 लाख रुपए दिए थे और बाद में महिला पैसा लौटाने में आनाकानी कर रही थी। आरोपी वकील द्वारा महिला को 4 गोलियां मारी गई, जो उसके पेट और अन्य हिस्सों में लगी हैं। मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस के एक SHO महिला को जीप में लेकर अस्पताल गए, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी की पहचान भी हो गई है। कहा जा रहा है कि महिला और इस शख्स के बीच पैसों को लेकर दरअसल पुराना विवाद था। उधर सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह की वैधता पर सुनवाई जारी है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अभी समलैंगिकों या LGBT समुदाय के क्या कुछ कानूनी हक हैं। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे इंडिया लीगल के वेब रिपोर्ट। इंडिया में LGBTQ कम्युनिटी ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सुना है। ईयर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने IPC 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इसमें सेम सेक्स एक्टिविटीज को क्रिमिनल ऑफेंस बताया गया था और ऐसा करने वालों को 10 साल की सजा होती थी। अब उनको एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह राइट्स तो मिले, लेकिन कपल वाले राइट्स के लिए वो अभी भी लड़ रहे हैं। चलिए जानते हैं उन राइट्स के बारे में जो सेम सेक्स कपल्स को नहीं मिलते हैं। पार्टनर्स अगर एक दूसरे को गिफ्ट दे तो उन्हें टैक्स नहीं देना होता, वहीं सेम सेक्स कपल्स को ये छूट नहीं मिलती और 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट देने पर टैक्स देना होता है। इंडिया में सरोगेसी से बच्चा पैदा करने के लिए मैरिड होना जरूरी है और सेम सेक्स कपल के लिए ये सुविधा नहीं है। साथ ही समलैंगिक जोड़ों को वो पेंशन नहीं मिलती जो कपल्स को मिलती है। पार्टनर की डेथ होने पर सेम सेक्स कपल्स अनुकंपा नियुक्ति से नौकरी की डिमांड नहीं कर सकते। ये कपल्स पारिवारिक बीमा पॉलिसी से भी वंचित रह जाते हैं। इन्हें पार्टनर की मौत के बाद संपत्ति का अधिकार भी नहीं मिलता। सेम सेक्स कपल्स को मरे हुए साथी की बॉडी भी नहीं मिलती, क्योंकि इन्हें परिवार नहीं माना जाता है। अभी कम्युनिटी सेम सेक्स मैरिज के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? इन्हें ये राइट मिलना चाहिए? और इसी के साथ कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।